ये माशाल्लाह बहुत ही खास पौधे हैं। और आपके हिसाब से ये कितने का होगा? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे YouTube फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेर खुशियाँ दे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। और अभी मैं आई हूँ अपनी फसलों में। आप सब सोच रहे हो कि रुजीना किधर जंगल में फिर रही है? जंगल नहीं है वैसे, यहाँ पर भी लोग ही रहते हैं और काफ़ी ना दूर दूर डेरे बने हुए, हमारे नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है। तो अभी ना हम यहाँ पर आए हैं अपनी फसलों में। और ये देखें, ये हमने बनाई है पुल। और मेरे काम चेक कर मैंने जूता उतार दिया, क्योंकि अभी ना गर्मी शुरू होगी और ठंडी ठंडी जो ज़मीन है ना वो मुझे। यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि मेरे लिए तो सरप्राइज़ था, तो आप सब के लिए भी सरप्राइज़ है। तो आप सब ने दुआ करनी है, जो भी हमने यहाँ पर काम किया ना उसके लिए ढेर सारी दुआ करनी है। क्योंकि जो भी इंसान कोई भी काम करता है ना वो मेहनत से काम करता है और अल्लाह जो है ना उसका अजर उसे ज़रूर देता है। तो आप सब ने ना हमारे लिए ज़रूर दुआ करनी है। अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी मेहनत की है, अभी मज़ीद पता नहीं और कितने दिन मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो है ना बाग हमने लगाया है, तो इंशाल्लाह हमारा जो बाग है ना वो तैयार हो जाएगा। फिर हम मज़े मज़े से ना हर फ्रूट खाएंगे। वैसे तो इतना महंगा फ्रूट हो गया, मतलब बाज़ार से तो रोज़ इतना ज़्यादा फ्रूट मतलब ले भी नहीं सकता। हर किस्म का ना जो है ना फ्रूट यहाँ पर लगा दिया, वो हम जब हो जाएगा ना मज़े से हम खाएँगे। हर मौसम में जो होता है ना फल वो हमने लगाया है। तो चलो जी अभी आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पौधे लगाए हैं। अभी तो हमने ना अमरूदों वाला बाग भी लगाया है और लुच्ची वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाई हैं। तो मेरी तो यही दुआ कि हो जाए। तो पहले मैंने देखी है, तो चलो जी सबसे पहले तो ये देखिए आलू बुखारा अभी बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ, हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे हो जाए और मज़े से हम आलू बुखारा खाएँगे, क्योंकि आलू बुखारा जो है ना मुझे वो बहुत पसंद है। और ये देखिए माशाल्लाह, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ये देखिए सबज सबज जो है ना उग रहे हैं, और ये भी आलू बुखारा है। और आपको पता ही है कि आलू बुखारा बहुत मज़ेदार होता है और ताकत होती है, बंदे खून की कमी पूरी होती है। और ये देखिए ये भला क्या है आपको पता है? नींबू है, ये चाइना का नींबू है। तो ये हमने अपने लिए लगाया, बाज़ार से तो मिल जाता है लेकिन हमने कहा चलो अपनी हर चीज़ अपनी लगा लेते हैं। और ये देखें ये अमरूद है, और जिस भाई से ये अमरूद हम लेकर आए हैं ना उसने कहा है कि अभी ना मैंने इस साल मतलब इसके ऊपर से अमरूद उतार के खाए हैं। तो हमने कहा चलो जी अभी दो बूटे जो है ना वो बड़े ले लेते हैं, ताकि आने जब अगले मौसम में हम भी अमरूद खा लें इन दो पौधों से। तो अभी तो देखिए फ़िलहाल ये खुश्क हो गया है, तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि सही हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए, इतनी मेहनत की और इतनी दूर से हम लेकर आए थे, अल्लाह करे भाई हो ही जाए। और आप सब की दुआ से तो ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए ये भी अमरूद है, ये दो अमरूद जो है ना वो बड़े बूटे लेकर आए थे ये वाले, ताकि जो है ना आने वाले मौसम में हम तो मज़े से अमरूद खाएँ। और अमरूद वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए ये हमने लगाया है, पता है क्या लगाया है? चौंसा आम जो सबसे मीठे आम होते हैं ना, चौंसा आम, और महंगे भी बहुत होते हैं, वो वाले लगाए हैं, अल्लाह करे हो जाए भाई। और ये देखिए ये है अनार, और अनार के बूटे भी हमने काफ़ी लगाए हैं। और वो देखिए दूसरी साइड पे बड़े अनार के बूटे लगाए हैं। वहाँ पर हमारी जो झोंपड़ी हमने बनाई थी ना फार्म हाउस, मतलब जो हमने घर बनाया था, वो अभी हमने गिरा दिया है। हमने सोचा कि ना हम यहाँ पर ना ईंटों का कमरा बनाएं। वैसे भी यहाँ पर चोरियाँ वगैरह बहुत होती हैं, और ऊपर से हमने माशाल्लाह बाग वगैरह लगा लिया, तो इसलिए हमने कहा चलो जी हम ना ईंटों से यहाँ पर कमरा बनाते हैं, और जो भी चीज़ हुई बंदा अंदर कहीं जाना पड़ ही जाता है बंदे को, तो बंदा ताला लगा लेता है। ये माशाल्लाह बहुत ही खास पौधे हैं, ये आपको पता है कौन से पौधे हैं? लुच्ची, जो बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और एक तो ना हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लगाई ऊपर से, ये देखे माशाल्लाह फसल भी है नीचे से, और डबल डबल फायदे, बाग भी और मज़े मज़े के फल भी खाएंगे और अपनी फसल भी साथ में बीजेगी। और काफ़ी लुच्ची के ना जो पौधे हमने लगाए हैं, और ये एक सब्ज़ है और एक और है, बाकी जो है ना वो सूख गए हैं। चलो आपको वो भी दिखाती हूँ, अल्लाह करे हो जाए। ये देखें ये भी सूख गया है, लुच्ची का ये भी है, और आगे वो है दो चार और भी हैं, वो भी सूख गए। अगर हमारी किस्मत में होंगे तो ये भी हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर तो नहीं होंगे। जो इंसान की किस्मत में होता है ना वो इंसान को मिलता है। तो चलो जी अभी आना आपको सबसे जो मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद है मतलब सब फलों में से, वो पता है क्या? जामुन। ये देखें ये हमने ना एक साइड पर पूरी लाइन में ना 25 पौधे लगाए हैं, और ये देखे हमने पूरी लाइन में लगा रही है। वैसे तो हमारे यहाँ यहाँ पर छांव वगैरह नहीं थी,
अभी हमने काफी दरख्त लगाए छांव के लिए और बाकी ये फल वगैरह लगाए ताकि ना छांव भी बन जाए और हमारा भी कुछ फायदा हो। और ये ऊंची जो जगह ना यहाँ पर अभी ना फसल भी बीजी हुई है, ये देखिए गंदम बीजी हुई है, इसलिए अभी ना हमने इसमें कोई चीज ज्यादा मतलब नहीं लगाई। और ये देखिए नीचे वाली जो एक एकड़ है ना पूरी जमीन, तो इसमें हमने ना पूरे किन्नू लगा दिए, पूरे 100 बूटा लगाया माशाल्लाह। ये वाले जो हमने किन्नू लगाया ना ये तो काफी बड़े बड़े हैं, मेरी हाइट जितने तो है इतनी, मैं छोटी भी नहीं काफी लंबी हूँ वैसे तो, मेरी हाइट जितने तो है अल्लाह करे ये हो जाए। लेकिन ये तो अभी तो माशाल्लाह सारे ना सबज सबज नजर आ रहे हैं, मतलब कोई पौधा भी अभी तक नहीं सूखा इनमें से, तो अल्लाह करे ये भी ना हो जाए। चलो जी अभी नीचे चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि एक पौधा जो है ना हमें फी कितने पैसों का मिला, तो वो भी आप सबके साथ अभी शेयर करते हैं। और ये देखें हमने ना देसी जुगाड़ से बनाई है सीढ़ियाँ, तो चलो जी अभी मैं आ गई हूँ नीचे। और ये देखें माशाल्लाह मैं खुशबू वैसे ले लूँ, अच्छी आ रही है नहीं? हाँ अभी से खुशबू तो आ रही है। और हमने ना इसमें बस तीन जो बूटे हैं ना मीठे के लगाए हैं हमने अपने लिए स्पेशल, तो इसलिए ना एक ये बूटा है और एक वो है और एक वो आगे, ये मतलब थोड़े से बड़े हैं, मुझे तो लगता है अगले साल इन पर ज़रूर मीठे लगेंगे। और देखे माशाल्लाह इसकी हाइट देखे मुझसे कितनी बड़ी है, और आपके हिसाब से ये कितने का होगा, हमें तो सिर्फ 80 रुपए का मिला है। माशाल्लाह सही मिल गया, सही रेट से मिल गया। और देखे माशाल्लाह ये ना 3 साल का पौधा है, इसकी उम्र 3 साल होगी और माशाल्लाह काफी इसकी हाइट है। अभी ये देखे न्यू जो शाख है ना वो भी आ रही है, तो हमने आपको पता है ये एक एकड़ में लगाया पूरा 100 बूटा और हमें एक बूटा फी जो है ना फी एक बूटा मिला है 80 रुपए का, और अभी ने काफी फासले पे लगाया है तो इस पे अभी ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो मतलब पूरा 6 माह मेरे हिसाब से तो 6 माह करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी हाइट भी सही है और माशाल्लाह ये उग भी रहे, तो फिर भी जाहिर सी बात है बाग लगाए ना उसको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और फिर भी किस्मत में इंसान के जो हो तो वो ही मिलता है। देखिए हम तो इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज़ आते हैं यहाँ पर पानी लगाते हैं, रोज़ एक एक बूटे को पानी लगाना पड़ता है और 100 बूटे को वो भी काफ़ी टाइम लगता है पानी लगाने में, और वो भी बाल्टी में पानी लेकर आते हैं, दूर से पानी भर के ले आते हैं और अभी डालते हैं इनको एक एक करके, कोई रह ना जाए। तो दरअसल ना हमें बस 1 हफ्ता हुआ है ये वाले पौधे लगाए हुए, तो पहले तो पानी नहीं था इसलिए हमें ना रोज़ ना दूर से ट्यूबवेल एक लगा हुआ है वहाँ से पानी भर के यहाँ पर लाना पड़ता था, और सब पौधों को एक एक करके पानी लगाना पड़ता था और काफ़ी मुश्किल होती थी। वैसे तो हमारे यहाँ नहर का पानी होता है और नहर बंद थी, तो अभी आज आ गई है माशाल्लाह, तो अभी आसानी होगी थोड़ी सी, तो नहर का पानी वैसे भी अच्छा होता है फसलों के लिए भी और बाकी इन पौधों वगैरह के लिए भी। तो चलो जी अभी ना बहुत थक गई हूँ और धूप भी बहुत है, तो अभी ना थोड़ी देर वहाँ पर बैठ कर आराम करते हैं, और अगली दफ़ा जब आप सब भी देखेंगे और देखना यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा छांव होगी, अभी तो यहाँ पर मतलब नहीं है, अभी हमने बहुत सारे और पौधे भी लगाए हैं इन मतलब खाने पीने वाले पौधों के अलावा भी हमने पौधे लगाए हैं वैसे छांव के लिए, तो बंदा कल को ज़रूरत पड़े बंदा सेल भी कर सकता है लकड़ियाँ बनाकर, तो वैसे बंदे खुद भी इस्तेमाल कर सकता है ना लकड़ियाँ। तो चलो जी अभी मेरी पौड़ियाँ जुगाड़ वाली तो अभी ना केक खाने लगे। ये देखे खदीजा और इरम ने बनाया केक, देखो कितना खूबसूरत केक है, ऐसा तो बाजार से भी नहीं मिलेगा ना खदीजा। अब किसकी साल गिरा है? हम खाएंगे। खदीजा किसकी साल गिरा है? मेरी। अच्छा केक खाएगा। चलो अभी हैप्पी बर्थडे करते हैं फिर मिलके। चलो काटो केक खदीजा। ये देखो बेटी भी कैसे किसके साथ काटू? वो देखो खदीजा ने छुरी भी बना ली है। चलो ये चलो इधर आओ ये पकड़ो। हैप्पी बर्थडे। इस तरह की हैप्पी बर्थडे किसी ने की होगी साल गिरा मतलब, ये देखे कैसे अभी खदीजा और इरम ने की है। हाँ लेट कर। नहीं पहले यूट्यूब फैमिली को खिलाओ। दुआ तुम भी खा लो। दुआ सच्ची खा जा रही है। पहले खा रही थी इरम ने कहा ये लोग ये केक खा लो, और जो दुआ इसने ना मिट्टी बनी हुई थी ऐसे गोल गोल, तो दुआ ने ना मुंह में डाल दी और आराम से खा रही, तो मुझे पता भी नहीं था ना दुआ।
और मुझे भी कह रही थी खा खा मैं। तो अच्छा जी, मैं YouTube फैमिली उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब हमारा केक को भी लाइक कीजिएगा। और केक खाना है तो आ जाइएगा, फिर ना कह रहा हमें बुलाया नहीं, बहुत मजे का बना जी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।